बिहार की राजनीति एक बार फिर से नया मोड़ ले रही है। सत्ता ने करवट ले लिया, लेकिन इसमें नीतीश वही हैं। बस आरजेडी वापस सत्ता में आ रही है और बीजेपी बाहर जा रही है। इस टर्नओवर में सबसे अधिक फायदा आरजेडी को होने जा रहा है, सबसे अधिक घटा बीजेपी को। वहीं कांग्रेस इस परिवर्तन को लेकर खुश है, क्योंकि महाराष्ट्र का हिसाब बराबर किया है। आइए देखते हैं इस बदलाव की बयार में किसे क्या मिलेगा। आरजेडी ईद पर इफ्तार, मुहर्रम पर कुर्सी तैयार। इस परिवर्तन में सभी अधिक फायदा आरजेडी को हुआ है। पार्टी न सिर्फ सत्ता में आ रही है, बल्कि डिप्टी सीएम भी आरजेडी को मिलेगा। पिछली सरकार में जदयू के 14 मंत्री थे, वहीं बीजेपी के 16। अगर इस हिसाब से देखते हैं तो आरजेडी के भी इतने ही मंत्री बन सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पर मोहर लग चुका है। तेजस्वी यादव शपथ ले लिए हैं और डिप्टी सीएम भी बन गए, जिसका राज तिलक तेजस्वी की पत्नी रचेल ने की है। पिछली बार जब महागठबंधन से जदयू ने ब्रेकअप किया था, तभी नीतीश ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि उनका लालू परिवार से व्यक्तिगत संबंध खराब न हो। जब विधानसभा में बीजेपी ने चिराग कार्ड खेला, तभी नीतीश की नाराजगी से आरजेडी समझ गई कि एक बार फिर से सत्ता में लौट सकती है। विपक्ष के तौर पर अपने हमलों में सतर्क होकर बीजेपी और केंद्र पर हमला जारी रखा। ईद पर इफ्तार के बाद से पर्दे के पीछे नीतीश और तेजस्वी की नजदीकियों से आरजेडी को दोबारा सत्ता सुख देखने को मिला। एक बार पहले भी इसी तरह से धोखा खा चुकी बीजेपी ने सबक नहीं लिया और खामियाजा हुजूम भुगतना पड़ा। न सिर्फ सत्ता गई, बल्कि सड़क पर भी बीजेपी बिहार में आ गई। जदयू भाजपा को एक खराब सहयोगी बताने का भरपूर प्रयास करेगी। इसमें आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों में बीजेपी के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस बार पूरा विपक्ष एक साथ है और आने वाले चुनाव में पूरे विपक्ष के खिलाफ अकेले बीजेपी को कठिनाइयों का सामना बिहार के दंगल में करना होगा। बिहार में कांग्रेस प्रभाव कम है, लेकिन बावजूद इस टूट से सबसे अधिक खुशी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में सत्ता से दूर होने के बाद बिहार में आरजेडी और नीतीश को समर्थन देकर हिसाब बराबर कर लिया। 19 विधायकों के साथ कांग्रेस को भी मंत्री मिलने की उम्मीद है। पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, तभी कांग्रेस सरकार में शामिल थे और 4 मंत्री भी थे। जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेला किया, उससे कांग्रेस आहत में थी और किसी मौके की तलाश कर रही थी, और वह मौका बिहार के दंगल में मिल गया, जिसे कांग्रेस ने पुरजोर बदला लिया बीजेपी से। उन्होंने बताया कि इसका कारण है कि पहला हिंदी पट्टी में सत्ता मिलना और हिंदी पट्टी में बीजेपी का बेस कम हो रहा है। ऐसे में मजबूत होने पर यह समय है। बीजेपी अगर कमजोर पड़ती है तो उन सबको ताकत मिलेगी, क्योंकि बीजेपी में क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर किया है। इस बदलाव में एक पार्टी है जो जहां है वहीं रहेगी। हालांकि सहयोगी बदलने से जदयू को खुली छूट मिलने के आसार नहीं है। बीजेपी के पास 77 सीट थे तो आरजेडी के पास 79 सीट है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ हाथ बंधे ही रह सकते हैं। सीएम पद पर नीतीश के काबिज रहने के गठबंधन की जहाज स्टीयरिंग व्हीकल्स आरजेडी के हाथ में रह सकती है, लेकिन जंगा राज का पिछली बार सरकार जब बनी थी, तभी जंगा राज देखने लगा, इसी कारण चुनाव भी हारे। इसलिए अभी आने वाले चुनाव तक कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे गलत परफॉर्मेंस बिहार में उत्पन्न हो और सरकार जा सके, जिसको लेकर आरजेडी, जदयू और कांग्रेस और जितने भी पार्टी हैं सभी एक्शन में हैं और सभी बिहार का विकास चाहते हैं। अगर सीट बंटवारे की बात की जाए तो जिसके जितने MLA उसके सरकार में उतना ही हिस्सा। 21 विभाग आरजेडी, 12 जदयू, 5 कांग्रेस को मिल सकते हैं। तेजस्वी को पथ निर्माण, निगम, विकास, नीतीश मोदी के रिश्ते को समझिए। सत्ता के साथ रहे, लेकिन नियतों से बंधे रहे दूरी। अग्निपथ से जातीय जनगणना तक नहीं मिला मन, जिसको लेकर बिहार की सत्ता गरमाई और आरजेडी जदयू पिछले दरवाजे से एक हो गए। ईद की पार्टी और रमजान में सत्ता में आना कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात है। और 10 लाख नौकरी की बात अगर की जाए तो वो भी पहला सिग्नेचर में क्या कुछ सामने आता, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।